दुर्ग जिले में चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी और छल से पैसे लेने के मामले में 2 लाख आवेदन दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मामले की जानकारी एडीएम नुपुर राशि पन्ना ने दी। बता दें कि हाल ही में चिटफंड से जुड़े कुछ मामलों में दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश जरूर किया था, लेकिन यह 2 लाख आवेदन के सामने काफी कम है। हालांकि नुपुर राशि पन्ना ने जानकारी दी कि अभी आवेदनों की छटनी जारी है, छटनी के बाद सही आंकड़ा दुर्ग कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अभी हमारे पास लास्ट नवंबर जो हमने चिटफंड मामले में आवेदन मंगवाए थे, तो ज़िले में लगभग 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अभी हम लोग कंपनी वाइज आवेदनों को छांट रहे हैं एंड उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको नोटिस जाया जा रहा है, ताकि हम लोग ये स्पष्ट कर पाए कि क्या सही में उनके द्वारा कपटपूर्ण पैसों का गबन किया गया है कि नहीं किया गया है। और अभी नोटिस प्रोसेस में है, इसमें हमारे कार्यालय से लगभग 40 लोग सेग्रीगेशन टास्क में लगे हुए हैं, जिसमें पृथक पृथक वो लोग आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही 6 राजस्व अधिकारी इन मामलों की जाँच में भी लग चुके हैं। जैसे ही ये मामलों की जाँच हो जाएगी, हम लोग धारा 7 में और धारा 10 में हम लोग सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय को हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई की। अभी भी ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास है कि ऐसे कंपनीज ऑपरेटिव हैं, तो हम लोग उन कंपनीज को भी, जो भी कंप्लेंट्स आए उनको भी हम लोग नोटिस के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और स्पष्टीकरण के लिए बुलवा रहे हैं।